स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि इस बार क्यों खास होने जा रहा है वाराणसी में आयोजित होने वाला संकट मोचन संगीत समारोह और कौन है सरहद पार का मेहमान। बात करेंगे केन्या में हुए 70 छात्रों के कत्लेआम की। दिखाएंगे बिग बी को कहां मिला सम्मान। शुरुआत करेंगे 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वाराणसी में सबसे प्राचीन संकट मोचन संगीत समारोह इस बार बेहद खास है। समारोह में पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली शिरकत करेंगे। सम्मान समारोह में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है और जो 6 दिनों तक चलेगा। समारोह के दिन के लिए यहां पर खास तौर से गुलाम अली भारत पहुंच चुके हैं। गुलाम अली की और वहां पर स्वागत की तैयारियां भी चल रही हैं। वाराणसी का सबसे प्राचीन संकट मोचन संगीत समारोह इस बार बेहद खास है। समारोह में पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली शिरकत करेंगे। समारोह हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है जो 6 दिनों तक चलेगा। समारोह के लिए गुलाम अली भारत पहुंच चुके हैं। वहाँ 8 को मैं पहुंचूंगा और 8 को ये मेरा प्रोग्राम भी है और उम्मीद है वहाँ पीएम साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बड़ी महफिल बड़े अच्छे सुर की महफिलें हैं और अल्लाह करे वो अच्छा लगे लोगों को। मैं दुआ करता हूँ कि सब खुश रहें और सब सुर में रहें। गुलाम अली ने कहा कि उनकी आवाज दोनों देशों के दिलों को जोड़ेगी। भैया हमारी तो शुरू से यही कोशिश है, फनकार जो है कलाकार जो है ये सिर्फ प्रेम ही बांटता है, यहाँ का वहाँ वहाँ का यहाँ, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। आपस में सुर तालमेल अच्छा रहना चाहिए, यही हमारी दुआ भी यही है। दिल्ली पहुंचे गुलाम अली पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर पाकिस्तानी उच्चायोग अब्दुल बासित ने कहा कि उर्दू दोनों देशों के बीच के मसलों को सुलझाने का काम कर सकती है और गुलाम अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उस्ताद गुलाम अली साहब जा रहे हैं वाराणसी परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है और मैं समझता हूँ कि उस्ताद गुलाम अली बजाते खुद भरपूर नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, तो उनका यहाँ आना परफॉर्म करना हम सब के लिए बायस तकवीयत है क्योंकि यहाँ भी उर्दू बहुत पॉपुलर है। आज तक मैं देखता हूँ कि लोग उर्दू में शायरी भी करते हैं, बल्कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो भी सब उर्दू में हैं बुनियादी तौर पे, तो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है हमारे लोगों को एक साथ लाने में और दोनों मालिक के दरमियान जो गलतफहमियां हैं जो मसाइल हैं उनको हल करने में। बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में से एक सेना के थे जबकि दूसरे स्पेशल पुलिस अफसर थे। आज सुबह करीब 7:30 बजे बारामूला के कुंजर गांव में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। करीब 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में आतंकी भागने में कामयाब रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बीच लश्कर के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। जी मीडिया के पास आतंकियों की घुसपैठ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये घुसपैठ 31 मार्च की है। थर्मल इमेजिंग के जरिए ली गई इन तस्वीरों में 3 आतंकी नजर आ रहे हैं। तीनों आतंकी जम्मू के डेबरा के पास पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर जम्मू और पुंछ में आर्मी के ठिकाने और जेल बताए जा रहे हैं। आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकी इलाके की रेकी भी कर चुके हैं। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी पीओके के कोठली में शाहबाज पोस्ट के पास मौजूद हैं। सऊदी अरब से आए एक भारतीय मजदूर के शव से कई महत्वपूर्ण अंग गायब मिले हैं। ये खुलासा तब हुआ जब रामदीन नाम के मजदूर के शव का भारत में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। तब पता चला कि शव से किडनी, लिवर और हार्ट गायब है। परिवार ने इसके पीछे मानव अंगों की तस्करी का शक जताया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अंत परीक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। इसमें कई चीजें गायब हैं, जैसे यकृत गायब है, किडनी गायब है और हार्ट गायब है, ये चीजें पूरी तौर पर गायब हैं। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला रामदीन 2013 में सऊदी अरब गया था। 7 महीने बाद उसके परिवार को एक अनजान फोन आया कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। आरोप है कि इसके बाद रामदीन की हत्या हो गई, लेकिन सऊदी सरकार इसे आत्महत्या करार दे रही है। पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट साल 2007 में लाल मस्जिद में मौलवी की हत्या के मामले में कोर्ट में पेश न होने के बाद जारी किया गया है।
मुशर्रफ अब तक एक बार भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने पेशी से छूट की मुशर्रफ की अपील को खारिज करने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। मुशर्रफ फिलहाल कराची में अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं, जहां बुधवार को उनकी मेडिकल जांच हुई। लाल मस्जिद पर मुशर्रफ के आदेश के बाद सेना ने साल 2007 में ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसी ऑपरेशन में मौलवी की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। मुशर्रफ इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अब तक खराब सेहत का हवाला देते हुए वो कभी भी अदालत में पेश नहीं हुए। मुशर्रफ 2013 का आम चुनाव लड़ने के लिए 5 साल के स्वनिर्वासन के बाद दुबई से पाकिस्तान लौटे थे और तभी से उन पर कई केस चल रहे हैं। मुशर्रफ 2007 में पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की हत्या के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं और इस केस में वो जमानत पर हैं। पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही दोनों देशों के बीच डील होने की संभावना है। चीन से मिल रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान साल 2011 से ही चीन से पनडुब्बियां खरीदने को तैयार है। फर्क बस इतना है कि पहले पाकिस्तान सिर्फ 6 पनडुब्बियां चाहता था, पर अब ये संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस योजना को रक्षा मामले पर गठित पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है। पाकिस्तान की नौसेना के पास फिलहाल 5 पनडुब्बियां हैं, जो कि उसने फ्रांस से हासिल की हैं। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के पास बेहतरीन पनडुब्बियां हैं, जिनमें 13 डीजल इलेक्ट्रिक हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं। वहीं संभावना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते पाकिस्तान यात्रा पर जा सकते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। केन्या के गैरेसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में आतंकियों ने 70 छात्रों की हत्या कर दी, जबकि 79 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। केन्या सरकार के मुताबिक ये 1998 में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। कहा जा रहा है कि यह हमला सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब ने किया है। आतंकी 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक कॉलेज कैंपस में रहे और उन्होंने कई लोगों की हत्या की। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और कॉलेज कैंपस में दाखिल होने से पहले आतंकियों ने गेट पर धमाके भी किए। गैरेसा सोमालिया की सीमा से सटा इलाका है, जहां ये आतंकी हमला हुआ है। केन्या सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि कैंपस को चारों तरफ से घेरा गया है। हालांकि कुल कितने आतंकी थे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जिस तरह से हमला किया गया है उसे देखते हुए शक आतंकी संगठन अल शबाब पर है, जिसने साल 2013 में मॉल में घुसकर नरसंहार को अंजाम दिया था और 67 लोगों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केन्या में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। आखिरकार इराकी सुरक्षा बलों ने पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के गृहनगर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। इराकी सेना करीब 1 महीने से शहर को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब ISIS के आतंकियों को शहर से खदेड़ा जा चुका है। टिकरित शहर 1 साल तक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के कब्जे में रहा। ISIS ने साल भर पहले टिकरित पर कब्जा किया था। सुरक्षा बलों की इस बड़ी जीत के बाद इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी टिकरित पहुंचे। अबादी ने मंगलवार को ही घोषणा की थी कि ये शहर अब इराकी सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। टिकरित पर इराकी सुरक्षा बलों का दोबारा नियंत्रण अमेरिका के नेतृत्व में ISIS के खिलाफ किए गए हवाई हमलों के कुछ दिन बाद हुआ है। अलाबादी ने कहा कि इस तरह का ऑपरेशन बाकी इलाकों में भी चलाया जाएगा। टिकरित पर कब्जे के बाद इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को भी इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि मोसुल को फिर से कब्जे में लेने के लिए करीब 25,000 इराकी सैनिकों को मई में वहां भेजा जाएगा। तुर्की के रास्ते गैर कानूनी तरीके से सीरिया जा रहे 9 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि सभी आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और सभी की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। 1 अप्रैल को 9 ब्रिटिश लोगों को उगुल पिनर से पकड़ा गया।
ये रेहाली का सीमाई गांव है। उगुलपिनर सीरियाई शहर अतेमेह पार करते ही पड़ता है, जहां अल नुसरा का मुख्यालय है। सभी ब्रिटिश नागरिक दक्षिणी तुर्की के हेते प्रांत से होकर सीरिया में दाखिल होने की फिराक में थे। उन्हें रेहाली के एक सैनिक पोस्ट से पकड़ा गया है। उम्मीद है कि उन्हें उनके घर भेजा जाए। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक करीब 600 ज्यादा ब्रिटिश नागरिक आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए सीरिया और इराक जा चुके हैं। आईएसआईएस के वीडियो में कई बार नजर आया जिहादी जॉन भी ब्रिटिश नागरिक बताया जाता है। फरवरी में आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए 3 ब्रिटिश छात्राओं ने भी तुर्की के रास्ते सीरिया जाने की कोशिश की थी। रूस की एक मछली पकड़ने वाली नाव रूस के फार ईस्ट में दुर्घटना का शिकार हो गई। नाव ओखोत्स्क के समुद्र में डूब गई है, जिसमें करीब 54 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस नाव में चालक दल समेत 132 लोग सवार थे। रूस की न्यूज एजेंसी इतिहास के मुताबिक हादसे के शिकार हुए 54 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि चालक दल के 63 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि रूस के फार ईस्ट इलाके में बेहद कम आबादी वाले मुख्य कस्बे मैदागान से 250 किलोमीटर दूर कामाचात का तट के नजदीक ही नाव डूबी है। राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों के मुताबिक नाव पर 78 रूसी नागरिक और म्यांमार के कम से कम 40 लोग सवार थे। साथ ही यूक्रेन, लिथुआनिया और वनुआतू के चालक भी मौजूद थे। इस मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए अभी तक रूस के आपात स्थिति मंत्रालय से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 3 दिन के मिस्र दौरे पर हैं। यहां उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट्स ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारी हिट फिल्में दी हैं। 72 साल के अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें डॉक्टरेट दिया जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय सिनेमा और उसकी तमाम तकनीकों का प्रसार भारतीय सीमा से बाहर भी हुआ है। अमिताभ ने गीजा के सैयद दरवेश हॉल में आयोजित समारोह में कहा कि संस्कृति किसी देश का सॉफ्ट पावर होती है और इसका इस्तेमाल दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिस्र और मिस्र के लोग हमेशा उनके प्रिय मित्र रहे हैं और उनके पूरे जीवन काल में ऐसे ही बने रहेंगे। एकेडमी ऑफ आर्ट्स के प्रमुख एहलाम यूनुस ने कहा कि एकेडमी ऑफ आर्ट्स ने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमिताभ का कला और मानवता पर एक बड़ा प्रभाव है। आपको बता दें कि बिग बी जल्द ही फिल्म पीकू में नजर आने वाले हैं। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली की आवाज के दीवाने सरहद के इस पार भी हैं और उस पार भी, लेकिन इस बार मौका खास है और गुलाम अली वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह में शामिल होने वाले हैं। पाकिस्तानी गजल गायक भारत पहुंच चुके हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी आवाज दो दो देशों के दिलों को जोड़ेगी। सरहद पर मचे बवाल से भारत और पाकिस्तान सियासी मोर्चे पर भले ही तल्ख रुख अख्तियार कर लें, लेकिन सांस्कृतिक मंच पर दोनों देशों का करार नहीं टूट सकता। तभी तो जब किसी भी फनकार को सरहद पार से भारत आने का मौका मिलता है तो उन्हें दिलों की नरमी और प्यार की गर्मी रोमांच और खुशी से भर देती है और दिल में लहर उठने लगती है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। खास तौर पर जब बात गजलों के सिरमौर गुलाम अली की हो। दिल में एक दर्द सी उठी है भी। कोई ताजा हवा चली है भी। दिल में तो भारत में भी लोगों के कानों में वो मीठे सुर घूमने लगते हैं।
राज है हम भी कुछ तो ना। गुलाम अली की ये सुरीली तान एक बार फिर से भारत में गूंजने जा रही है। और ये चोट भी नहीं है। घाटों और मंदिरों से आबाद वाराणसी में इस बार गुलाम अली की छनी हुई आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो संकट मोचन संगीत समारोह में शिरकत करने के लिए भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। वहाँ आठ को मैं पहुंचूंगा और आठ को ही मेरा प्रोग्राम भी है और उम्मीद है वहाँ पीएम साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये बड़ी महफिल बड़े अच्छे सुर की महफिलें हैं और अल्लाह करे वो अच्छा लगे लोगों को। मैं इसमें दुआ करता हूँ कि सब खुश रहें और सब सुर में रहें। गुलाम अली के लिए हिंदुस्तान नया नहीं है, वो अक्सर अपने चाहने वालों के प्यार से बंधे यहाँ खींचे चले आते हैं। या हमारी तो शुरू से यही कोशिश है, फनकार जो है कलाकार जो है ये सब प्रेम ही बांटता है, यहाँ का वहाँ वहाँ का यहाँ, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। आपस में सुर तालमेल अच्छा रहना चाहिए, यही हम हमारी दुआ भी यही है। वाराणसी में 8 से 13 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रम में गुलाम अली शरीक होंगे और दोनों देशों के रिश्तों पर जम रही धूल झाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि गुलाम अली की एक गजल वो कर सकती है जो तमाम द्विपक्षीय वार्ताएं नहीं कर पाती। गुलाम अली की आवाज को पहले भी इंडियन सिनेमा में पसंद किया जा चुका है और उनकी गजलें हिंदुस्तान के घरों में ग्रामोफोन पर बजी, टेप रिकॉर्डर में गूंजती रही और आज सीडी डीवीडी के दौर में भी उनका क्रेज खत्म नहीं हुआ है। तभी तो हर बार हिंदुस्तान में आते तो वो मुसाफिर की तरह हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बस जाते हैं। प्रतीति पांडे के साथ दीपांकर भट्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि गुलाम अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और उर्दू दोनों देशों के बीच के मसलों को सुलझा सकती है। नहीं, उस्ताद गुलाम अली साहब जा रहे हैं वाराणसी परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है और मैं समझता हूं कि उस्ताद गुलाम अली बजाते खुद भरपूर नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, तो उनका यहाँ आना परफॉर्म करना हम सब के लिए बासे तकवीत है, क्योंकि यहाँ भी उर्दू बहुत पॉपुलर है। आज तक मैं देखता हूँ कि लोग उर्दू में शायरी भी करते हैं, बल्कि जो बॉलीवुड की फिल्में वो भी सब उर्दू में हैं बुनियादी तौर पे, तो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है हमारे लोगों को एक साथ लाने में और दोनों मालिक के दरमियान जो गलतफहमियां हैं जो मसाइल हैं उनको हल करने में। अब बात करेंगे एक ऐसी बिल्ली की जो क्लासी है, स्टाइलिश है और जिसकी कमाई करोड़ों में है। आखिर कौन सी है ये स्पेशल कैट और ये कैसे बन गई करोड़पति, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आपने एलिगेंट बिल्ली देखी है? क्या आपने सोफिस्टिकेटेड बिल्ली देखी है? क्या आपने स्टाइल आइकन बिल्ली देखी है? क्या आपने ग्रेसफुल बिल्ली देखी है? आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के शब्द और वो भी बिल्ली के साथ हम क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर बिल्ली ऐसी हो तब खुद ब खुद उसके साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो ही जाता है। ये है दुनिया के मशहूर और लग्जूरियस फैशन ब्रांड शनैल के हेड कार्ल लागरफेल्ड की बिल्ली। ये इस नामचीन डिजाइनर की बिल्ली ही नहीं बल्कि उनके परिवार की तरह है। इस 3 साल की कैट का नाम है शूपे और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कमाऊ बिल्ली है और इसकी 1 साल की कमाई दुनिया के बड़े बड़े सीईओ से कम नहीं है। शूपे ने पिछले साल एक कार और एक जापानी ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन में काम किया और सिर्फ 2 एडवर्टाइजमेंट से इसने कमाए हैं 2 मिलियन यूरोज यानी करीब 13.5 करोड़ रुपए। शूपे कार्ल लागरफेल्ड की लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट है। शूपे इंटरनेट सेंसेशन है, उसका अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है
शूपे को कई एड्स के ऑफर रोजाना मिलते हैं, पर कार्ल चाहते हैं कि शूपे सिर्फ सोफिस्टिकेटेड और लग्जूरियस ब्रांड का ही हिस्सा बने। शूपे कई मैगजीन्स के कवर पर भी आ चुकी हैं। अब शूपे इतनी स्पेशल हैं, तो इसे सब कुछ स्पेशल मिलता है। खास शूपे के लिए दो मेड्स रखी गई हैं, जो ख्याल रखती हैं कि शूपे के सफेद बाल चमकते रहें, उसकी आंखों की खूबसूरती कायम रहे, उसकी ब्यूटी का ध्यान रखा जाता है, उसका पेडिक्योर तक किया जाता है। कार अगर किसी होटल में ठहरते हैं तो कैट शूपे के लिए एक अलग लग्जरी कमरा भी बुक किया जाता है। तो देखा आपने, ये है दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोफिस्टिकेटेड, क्लासी और रिच कैट। इसके बारे में जानकर तो कहना पड़ेगा, लाइफ हो तो ऐसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। दुनिया में नन्हे हुनरबाजों की कोई कमी नहीं है। 10 साल के कैरियर में है कमाल का हुनर, हुनर ऐसा कि उसके सामने बड़े बड़े फेल हो जाएं। ये नन्हा स्पीड स्टेकर अपने टैलेंट के दम पर कई चैंपियनशिप भी जीत चुका है। तो चलिए देखिए कैरन के हाथों की सफाई। उम्र 10 साल, नाम कैरियन ब्राउन, कमाल ऐसा कि आपको पलक झपकने का टाइम भी ना मिले। ये है 10 साल का स्पीड स्ट्रैकर। ये है स्पीड का शहंशाह, जिसकी रफ्तार को कोई मात नहीं दे सकता। आप खुद देखिए ब्राउन के कारनामे, एक सेकंड में सब हो जाता है उलट पुलट। देखिए कितनी स्पीड से कैरियन गिलास को एक के एक ऊपर रखते हैं और उसी स्पीड से इन गिलासों की पोजीशन और सेटिंग चेंज कर देते हैं और दिखाते हैं अपने हुनर का कमाल। कैरियन को टक्कर देने के लिए और इसे बच्चों का खेल समझने वाले एक शख्स ने कैरियन को मात देने की सोची और कूद पड़े स्पीड ट्रैकिंग के मैदान में। लेकिन ये क्या, कैरियन से करीब दोगुनी उम्र के इस शख्स ने कैरियन की कला के आगे घुटने टेक दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हुनर को कैरियन ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी दिखा चुके हैं और आज इस कला की बदौलत कैरियन के नाम कई रिकॉर्ड हैं। वाकई कैरियन के करिश्मे को देखकर कहा जा सकता है कि कला उम्र की मोहताज नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।